एक युवा है, लग भी रहा है तेज तर्रार है, तो क्या ये लग रहा है? मतलब एक एक महिला जो भारत की है, भारत में ही उसका विरोध हो रहा है, और एक महिला विदेश से आती है, पाकिस्तान से आती है, और भारत का एक लड़का है जो कई सीमाओं को छेद कर, वो सीमा को तोड़ कर आ जाती है और वो रहने लगती है, और यही की मीडिया और यही के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर एक महिला को गलत और एक महिला को प्रशंसा, उसके चार बच्चे हैं, इसको तो दो ही बच्चे हैं। देखिए, इस बात पे मैं यही विचार देना चाहूंगा अपना कि अगर कोई महिला प्रेम में आकर उस चीज को त्याग कर अपने देश को सारी सीमाओं को तोड़कर यहाँ आ रही है, तो इसके बीच में जो रजामंदी हुई होगी वो उस व्यक्ति के साथ हुई होगी जो इस भारतवर्ष में रह रहा है, और जो महिला वो पाकिस्तान से यहाँ आई है। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ की महिला की बात करूँ कि मैं भी मीडिया में जब अपना न्यूज़ चैनल में देखता हूँ ये सब की आजकल खबरें आ रही हैं कि इसको कुचलवा देते हैं, मरवा देते हैं, चूहे की दवाई दे देंगे उससे मरेगा नहीं मरेगा, बहुत सारी खबरें मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार ऐसी शिक्षा का क्या करना, जब आपके मन में इतना बड़ा पोजीशन पाने की आप लालसा रखते हैं, उसके लिए आप तैयारी करते हैं, और उसके बाद आप इतने निम्न स्तर के लोग हैं, तो कल को तो आप अगर आपके काम पे कोई उंगली उठाएगा तो आप यही करेंगे कि ये मैं इसका क्या काम करूं, उसे मरवा दूं। तो आप अगर प्रेम के चक्कर में वो लड़की पाकिस्तान से यहाँ आ गई है और मीडिया अगर उसे गलत बता रही है, देखिए सच बात तो ये कि मीडिया ही क्या हाथ में है कि अगर मीडिया बोल देगी ये सच है तो दुनिया सच हो जाएगी, मीडिया कहेगी ये गलत है तो गलत। भी तो दिमाग है, सोचने की क्षमता है, बौद्धिक शक्ति है उसके पास। देखिए, पता है क्या होता है कि जब मान लीजिए अगर मैं ही अपना एग्जांपल दूं, मान लीजिए अगर मैं अगर कोई ऐसा काम करता हूं कि अगर 10 लोग मेरा वीडियो बना के डाल देते हैं कि ये लड़का गलत काम कर रहा है या इसने कुछ गलत किया, तो जब ये चीज वायरल होती है तो मैं हर व्यक्ति को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आज जो न्यूज पड़ी है वो 3-4 दिन बाद पुरानी हो जाएगी और 5वें-6वें दिन बाद एक और न्यूज आ जाएगी, तो वो 5वें-6वें दिन के जो 10 लाख लोग हैं, हाँ मैं उन लोगों को समझा सकता हूँ जो मेरे आसपास और करीब है। क्या लग रहा है कि मतलब ज्योति मौर्य सही की है आलोक के साथ? देखिए, ये तो उनकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, बहुत ही गलत काम किया उन्होंने। उन्होंने मतलब आने वाले भविष्य में जो औरतें तैयार, प्यार करना गुनाह है, प्यार कर है। एक बात बताइए, आपका विवाह हुआ है? हमारे विवाह तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, इंडिया के सामने पहली बार ही बोल दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपका विवाह होगा, अगर आपकी जो वाइफ आएंगी अगर वो ऐसा करती है तब आप बताइएगा कि प्यार का प्रमाण आपके जीवन में तो क्या। मान लीजिए देखा जाएगा, जब होगा तब होगा। ये सारे लोग बता रहे हैं कि अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपके ऊपर जब पड़ेगा, आपके घर वाले के ऊपर पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है, क्या यहाँ के लोग जो आलोक के घर वाले थे, आलोक जब प्यार किया था तो नए लोगों को दिखा था, वो पहले से एक करेक्टर वो है। देखिए, अगर उन्होंने वो प्यार करके आ रही है तो क्या वो मतलब आप उसको पहले से पता होना चाहिए। देखिए, मेरा कहने का ये सीधा सा मतलब, मैं मानता हूँ ज्योति गलत है, 100% गलत है, वो गलत किया है, 2 बच्चों के साथ भी उसका भविष्य खराब हो रहा है, परिवार को भी डूबोई है, लेकिन आलोक को क्यों नहीं पता था कि जब हम प्यार कर रहे हैं, हो सकता है उस पर हमारे ऊपर जब विश्वास करके माँ बाप को धोखा दे सकती है या गेम करके माँ बाप को फुसला सकती है कि हम आलोक मौर्य के साथ रहेंगे, तो क्या फिर नहीं लगता है फिर भविष्य में किसी और को फुसला के चली जाए? हम भारतवर्ष में रहते हैं और जिस प्रकार की बात कर रही है, पश्चिमी सभ्यता है कि आज हमने शादी किया, कल अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। कई बार जो आके पति होते वो इंतजार करते कि आज नहीं तो कल सुधरेगी, क्या पता उनको इस जानकारी के बाद उन्होंने उसको मतलब मौका दिया, मतलब वो मौका लेती रहे और सुधरती रहे और मतलब कब तक बुढ़ापे तक ऐसे ही करती रहे, फिर उसको मनुष्य को बिछोड़े फिर दूसरा। हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे, आप अपनी वाणी इसमें रखना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, प्रेम करना कोई गलत नहीं है, प्रेम की कई परिभाषा होती है। अगर उन्होंने ज्योति मौर्य के साथ प्रेम किया तो उस दौरान क्या होगा जब उनका विवाह नहीं हुआ था? इसे आप गांव के हैं, सुनिए, जो गांव के जिस तरीके से आप बताए हैं गलत है तो मानते हैं गलत है, सारे लोग मानते हैं गलत है, हम भी मानते हैं, गांव वाले भी दिखा सकते हैं, एक गांव वाले हैं, हम भाई साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, गांव वाले लोग भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ज्योति मौर्य गलत की है, ये मैं भी मानता हूँ गलत किया है, बहुत सारे लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या ज्योति मौर्य पहले ठीक थी जब इसके साथ अफेयर था आलोक के साथ? इस पे बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, आपको लगा कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ? नहीं, 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 आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, बहुत सही है, क्योंकि आप मीडिया भी हमारे ही देश की हैं, तो मैं इस चीज में यही बोल रहा हूँ। सवाल गलत है? नहीं, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है, बट कई बार क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तरीके से कहा जाए, जो कोई भी संस्था हो,
जिम्मेदार पद पे कोई भी पदाधिकारी अपने पद पे बैठता है उसका एक गरिमा होता है, और उस गरिमा के अंदर रह गए जिस क्राइटेरिया होता है उसका, जहाँ भी पोस्टिंग होती है उसको न्याय के लिए ही जिम्मेदारी उसको 100% रखा जाता है। लेकिन एक महिला किसी दूसरे पति की पत्नियों को कैसे न्याय दिलाएगी जब खुद अपना ही चले गई थी, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ही सरासर गलत किया, क्योंकि देखिए अगर पोजीशन पाने के बाद वो आने वाले टाइम पे अभी तो अपने पति के बारे में इतना बुरा सोचे, हो सकता है कि हमारे देश में अभी बताइए गाँव के लोगों गाँव में क्या माहौल है, क्या सब लोग, ये तो पूरे भारत में चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। देखिए वो पत्नी बनने से पहले तो किसी की बेटी होंगी ना, तो बेटी पढ़ाओ मतलब अपने घर से इतना पढ़ा दो कि आपको ना कल को ये मौका ना देना पड़े कि मेरे होने वाले पति ने गलत रिपोर्ट छपवाई, मेरे पति ने गलत जो शादी का कार्ड था उसमें ये दिखवाया वो दिखवाया, ऐसा इल्जाम करने की जरूरत ही ना पड़े। और मान लीजिए नहीं हो पाए तो क्या ये उचित उचित है ना पढ़ाई पर पत्नियों को, मान लीजिए एक गलत हो तो सब गलत होगा। देखिए हर उंगली एक समान नहीं होती, और मैं यही कहना चाहूंगा उन पतियों के लिए कि जो अपनी बीवियों को वापसी बुला रहे हैं वो ना बुलाएं, क्योंकि वो देखिए गांव में ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही चीज की चर्चा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, समझ लीजिए देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा है, इसी गाँव के लोग थोड़ा सा नहीं जानकारी। देखिए जरूरी ये नहीं कि हर कोई खबर देखता हो, क्योंकि आप जो आपका सोशल मीडिया एक मिनट में आपको यहाँ से स्वाइप करा सकता है वो खबर को भी स्विच करा सकता है, तो ये खबर तो बहुत तगड़ी। मैं किसी और की क्या बात करूं, मेरे घर में हर एक खबर पे नजर रखी जाती है कि ज्योति मौर्य का ये वायरल हो गया, अब ये ऑडियो आया, ये वीडियो आया, मैं खुद सुन के परेशान हो गया हूँ सारी चीजें, बट ये कि अब न्याय तो मिलना चाहिए क्योंकि अब बहुत हो गया, सस्पेंड हो चुके हैं। हाँ, अब आने वाले कल के लिए इनको ये खबर जब याद आएगी जब इस पे एक फिल्म बनेगी। ज्योति मौर्य को लेकर यहाँ की जो बहु बेटियाँ हैं जो बहुए हैं क्या माहौल है, मतलब लोग पढ़ाना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए उन्होंने इतना गलत किया है कि लोगों के दिमाग के अंदर ना एक ट्रॉमा जिसे बोलते हैं वो काफी उत्तेजित एकदम एक ट्रॉमा हो गया, एक मतलब क्यों आप तो समझते हैं अगर आप गांव में रहते हैं। देखिए जो लोग देख रहे हैं आपको इस तरीके से होना करें कि मतलब बहुओं को भी पढ़ाएं बेटियों को भी पढ़ाएं, क्या सजेशन देंगे आप? देखिए युवा है एक जवान है, आप क्या कहेंगे? देखिए आने वाले कल में मेरी भी शादी होगी, मेरी भी वाइफ होगी, तो मैं सबको यही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, पर उन पे खबर नजर भी रखिए, क्योंकि इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है महाभारत में। कहा जाता है एक एसडीएम मैं कहूं तो 16वीं रैंक लाई थी, और एक जो थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे महेश दुबे जी, मनीष दुबे जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो भी बहुत माइंडेड थे, और एसडीएम साहिबा भी बहुत माइंडेड थी, लेकिन एक सफाई किस तरीके से दोनों को धराशाही कर दिया और जमीन पे ला दिया है, उसको माइंड को दाज देना पड़ेगा। हो सकता है दोनों लोगों से माइंड तेज चलाया, क्योंकि आईडियो वीडियो चैट फैट उन लोगों को भी मतलब मैं कहूँ तो एकदम धराशाही कर दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, लोग वो कह रही थी एक सफाई कर्मी के साथ मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, लेकिन स्टेटस तो डीएम साहिबा को इतना एसडीएम साहिबा को खराब कर दिए, जिस तरीके से सफाई कर्मी समझती थी सफाई कर्मी है वो क्या करेंगे, लेकिन माइंड तो ये चला दिया इंजीनियर वाला सॉफ्टवेयर वाला। देखिए उन्होंने बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का जो सही उपयोग है वो इसी तरीके से हुआ है। और हाँ, हो सकता है कि सिर्फ अभी मनीष दुबे और ज्योति मौर्य अभी दिख रहे हैं, हो सकता है उन मनीष दुबे के चक्कर में कोई और भी हो और इनके चक्कर में कोई और भी हो, तो अभी तो केस और आगे जाएगा। जब से ये आई है, जब से इनका मामला चला है, लगभग लगभग सैकड़ों लोगों का मामला आ चुका है, लेकिन अब खुल रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि मतलब इतना जलील कर देना एक बहू को, ये भी तो देखिए एक जब एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये बड़ा सही उदाहरण रहेगा, जब रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन उतरे तो उन्होंने कहा इस नपुंसकता की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे कैसे लड़ाई करूं, तब उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये जब तक तुम्हारे अपने हैं जब तक ये ग्रह में, अब ये ग्रह में अपने घर में नहीं है, अब ये रोड पे आ गए हैं तो ये मुद्दा रणभूमि का हो गया, अगर ये मुद्दा घर के अंदर ही रह जाता तो ये एक घर के अंदर रह के सारे सॉर्टेड होता, बट अब ये आ गया है रोड पे, अब ये आ गया है पब्लिक के बीच में, अब ये आ गया है समाज में, तो ये सिर्फ अब एक परिवार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे गांव का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि इसकी वजह से बदनामी जो है वो यही नहीं हो रही है केवल इंडिया में,
आप बाहर भी देखे, बाहर भी यही न्यूज चल रहा है। और हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग अब उठ के बाहर आ रहे हैं, देखिए इसको मैं दो तरफा बोलूंगा, या तो लोग अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए चीजें सामने ला रहे हैं। मैं देखा हूँ तमाम देखेंगे चैनलों पे जो कमेंट आ रहा है, जो व्यू आ रहा है उसका, तो एसडीएम साहिबा के भी पक्ष में आ रहा है और आलोक के भी पक्ष में आ रहा है, ऐसा नहीं है, एक धारा है। अब जो है कि इसको गाली भी दे रहे हैं आलोक को, और आलोक को एक धारा जो है अच्छा भी बता रहा है, बुरा भी बता रहा है। देखिए ये लोकतांत्रिक समाज है तो यहाँ पे सबको अपना राइट है अपनी बात रखने का, कि वो किसको किस तरीके से पसंद। भैया भी अपनी बात रखे, बहुत अच्छा लगा।